है बीपी मून टीवी। वीकेंड के बाद में सलमान खान ने सुनाई फिनाले वीक की खबर। घर वालों को देने पड़े पैनलिस्ट के कड़वे सवालों के जवाब और पवित्र पुनिया बिग बॉस के घर से होगी बेघर। हेलो वेलकम नमस्कार बीपी मून टीवी में मैं प्रेरणा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं इस वीकेंड के बाद में बिग बॉस में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बिग अनाउंसमेंट के बारे में जो सुनते ही घर वालों को झटका लगा। सलमान ने घर वालों को बताया कि फिनाले वीक नजदीक आ गया है और वो इतना नजदीक है कि अगले हफ्ते होने वाला है। जी हाँ, बिग बॉस का फिनाले वीक अगले हफ्ते होने वाला है, ये बिग न्यूज सलमान ने घर वालों को दी। तो इस हफ्ते जो विलन थे उनके साथ सवाल जवाब हुए। शुरुआत में विलन की कुर्सी पर रूबीना को बिठाया गया जहाँ फिर से रूबीना और जासमीन की अनबन नजर आई। तो इस बर्ताव से जासमीन रिग्रेट करेगी ये रूबीना ने कहा। तो रूबीना के बर्ताव से जासमीन अपसेट है ये उसने बताया। दोनों की बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो सलमान ने जासमीन को विलन की कुर्सी पर बिठाया जहाँ जासमीन के इमैच्योर वाली बात रूबीना ने छेड़ी। फिर इस कुर्सी पर निकी को भी बिठाया गया जहाँ निकी ने भी आरोपों का सामना किया। फिर उसी कुर्सी पर बैठे बैठे निकी को दिया गया ठप्पा टास्क। निकी के हिसाब से जो कंटेस्टेंट दिखते नहीं है उनके चेहरे पर ये ठप्पा लगाना था। फिर क्या, निकी ने पवित्र, एजाज और अभिनव के चेहरे पर ठप्पा लगा दिया। फिर सलमान ने रूबीना फिनाले वीक तक पहुंच गई है ये गुड न्यूज सुनी थी। उसके बाद घरवालों की आपसी सहमति से बाकी तीन नाम देने थे और हमेशा की तरह आपसी सहमति नहीं हुई। फिर सलमान ने ये मजाक था ऐसा कह दिया, लेकिन उसके बाद सीरियस होकर फिनाले वीक जो है वो अगले हफ्ते होने वाला है ये फिर से बताकर घरवालों को शॉक कर दिया। तो वीकेंड के बाद में घर में हुआ एक बड़ा झगड़ा भी दिखाया गया जहाँ अली के कहने पर जासमीन ने रूबीना के बारे में जो बात कही थी वो जानने के लिए रूबीना कविता के पास चली गई। जहाँ जासमीन ने क्या क्या बोला था ये बताने से पहले ही रूबीना कविता की बहस शुरू हो गई। दोनों का झगड़ा शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते नजर आए। फिर ये झगड़ा जासमीन तक जा पहुंचा और जासमीन कविता भी लड़ने लगे। लेकिन फिर बिग बॉस ने दिया एक मजेदार टास्क। इस टास्क में निकी, अभिनव, पवित्र और एजाज जज बने थे। ये टास्क था रोस्टिंग स्टैंड अप का जिसमें शुरुआत की रूबीना ने। सबने बड़े ही मजेदार तरीके से और स्पोर्टिंगली ये टास्क खेला और इसे एंटरटेनिंग बनाया। शुरुआत में रूबीना की बारी थी, रूबीना ने जासमीन, राहुल और अभिनव पर रोस्टिंग की। फिर अली और राहुल ने भी धूम मचाई। उसके बाद जासमीन और कविता ने भी इस टास्क में मजेदार रोस्टिंग की। रूबीना और कविता को इस टास्क में सबसे ज्यादा स्टार्स मिले। तो वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस ने भी सबका दिल जीत लिया जहां कंटेस्टेंट ने अपने फेमस किरदार पर परफॉर्म किया। जहां जासमीन नागिन बनी तो कविता चंद्रमुखी चौटाला और रूबीना दिखी शक्ति के रूप में। तो वही अली, निकी, राहुल, एजाज के भी परफॉर्मेंस हुए। तो इस वीकेंड में आए कुछ पैनलिस्ट जहां बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी, देवोलीला भट्टाचार्य, कविता कौशिक के पति रौनित और एजाज खान के फ्रेंड संदीप बिग बॉस के मंच पर आए जहां इन्होंने घर वालों के साथ सवाल जवाब किए और वो कहां गलत है ये भी उन्हें बताया। तो वही काम्या कविता के पति और देवोलीला कविता को सपोर्ट करते नजर आए। उन्होंने एजाज, जासमीन, निकी, अली से भी सवाल जवाब किए। तो एजाज के फ्रेंड भी सवाल जवाब करते नजर आए। वही पैनलिस्ट भी बहस करते नजर आए। कविता और अली के झगड़े में हुई हाथापाई पर काम्या ने निराशा जताई। इन पैनलिस्ट ने अपने चार फेवरेट फाइनलिस्ट भी यहाँ पर बताए। देखिए, दोस्त से दुश्मन बनी जासमीन और रूबीना की अनबन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर सलमान ने दिया एक टास्क। इस टास्क में जासमीन और रूबीना आमने सामने थी। दोनों में से किसके दिल में ज्यादा नफरत है और किसका दिल काला है ये इसमें बताने के लिए दोनों को हार्ट्स दिए थे। फिर घर वालों ने एक एक कर दोनों के दिल में काला पानी डाल दिया जिसमें रूबीना के दिल में ज्यादा काला पानी दिखा। तो हमेशा की तरह माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए बिग बॉस के मंच पर आए कुछ गेस्ट। नेहा और टोनी कक्कर बिग बॉस के मंच पर आए जहां उन्होंने सलमान खान के साथ मस्ती की और उसके बाद सीधा बिग बॉस के घर के अंदर चले गए जहां नेहा ने खुद के लिए भाभी और अपने भाई टोनी के लिए दुल्हन की खोज शुरू कर दी। जासमीन, निकी, पवित्रा को नेहा ने दिया एक टास्क। इस टास्क में जासमीन ने नेहा, टोनी को इम्प्रेस कर दिया और टास्क में बन गई नेहा की भाभी। तो बिग बॉस के घर से किसको बेघर करना है ये टास्क दिया गया। इस टास्क में बिग बॉस का वो दरवाजा जो सिर्फ
एलिमिनेशन के टाइम खुलता है वो दरवाजा खुल गया। कंटेस्टेंट को दिए गए बॉल्स, इस बॉल को किक करके घर से बाहर डाला था जहां घर वालों ने आपसी भड़ास निकाली। तो इस हफ्ते के नॉमिनेट सदस्यों में से पवित्र पुनिया इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बेघर हो गए, जहां एजाज पवित्रा को गले लगाते हुए नजर आए। देखिए, पिछले हफ्ते बिग बॉस के घर में सब कुछ बदलता नजर आया, दोस्त बदले, फिनाले वीक का दिन भी बदला, लेकिन अब बिग बॉस घर वालों को क्या क्या झटके देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं तो आपसे विदा ले लेती हूँ, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स और खास करके बिग बॉस से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए देखते रहिए peepingmoon.com। तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, लेकिन कीप वॉचिंग पीपिंग मून।